दोस्तों जरा इस हाथी को देखिए, ये नदी पार करके उस पार जाना चाहता था, लेकिन नदी में आराम कर रहे हिप्पोस हाथी को रास्ता देने के मूड में नहीं लग रहे हैं। स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। हाथी का गुस्सा भी बहुत खतरनाक होता है और इन हिप्पोस को भी नजरअंदाज करना हाथी के लिए भारी पड़ सकता है। हाथी अकेला होता है और हिप्पोस को तो आप देख ही रहे हो, झुंड में काफी सारे होते हैं। आखिर हाथी हिम्मत बांधकर नदी में उतरता है। जैसे ही वह हिप्पोस के पास पहुंचता है, वैसे ही कुछ हिप्पोस इधर उधर साइड में होने लगते हैं। हालांकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ होता, शायद हिप्पोस हाथी के पानी में आने का बेट ही कर रहे हो। हाथी डरते हुए धीरे धीरे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा था। हिप्पोस ने हाथी पर आक्रमण नहीं किया, शायद उन्हें हाथी के गुस्से और ताकत का अंदाजा हो गया और इस तरह हाथी नदी पार कर लेता है।